सतगुरु टेऊ राम महाराज की जय। सतगुरु सर्वानंद महाराज की जय। सतगुरु शांति शांति प्रकाश महाराज की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। सर्व संतन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आयो लाल लुकयो झूले लाल मेरा ही पास। आइए मिल कर के राम नाम की पंक्ति कहें। गोविंद जय जय गोपाल जय। सत्संग की महिमा के बारे में सतगुरु महाराज का भजन है, अपने मन को समझाएं कि ऐ मेरे मन तुम सत्संग करो। सत्संग से क्या होगा, इस भवसागर से पार होने के लिए ये नौका का काम करेगी। ये राम का नाम कहो या सत्संग कहो, शुभ विचार कहो, सत्यता कहो, माधुर्य जिह्वा के अंदर हो, शिष्ट आचार, यह सब हमारे सत्संग का तात्पर्य है। आइए भजन है। मन मेरे सत्संग करना रे, मन मेरे सत्संग करना रे, मन मेरे सत्संग करना रे, मन मेरे सत्संग कर, सत्संग रूपी मेरे चर कर, सत्संग रूपी मेरे चर, सत्संग रूपी मेरे चर कर, सत्संग रूपी मेरे चर, भवसागर से तरना, भवसागर से तरना,
भवसागर से तरना, ओ भवसागर से तरना, भवसागर से तरना, भवसागर से तरना, सतसंग मेरे सतसंग करना रे मन मेरे, सतसंग करना ओ रे मन मेरे, सतसंग करना ओ रे मन मेरे, सतसंग करना। सतसंग जैसा बेरा न कोई, बेरा न कोई, बेरा न कोई, भव से पार तरन को, भव से पार तरन को, सतसंग जैसा बेरा न कोई, बेरा न कोई, बेरा न कोई, भव से पार तरन को, भव से पार तरन को, सतगुर सम मलहन कोई, सतगुर सम मलहन कोई, मलहन कोई, मलहन कोई, गुर के पांव पकड़ना, गुर के पांव पकड़ना, गुर के पांव पकड़ना, ओ गुर के पांव पकड़ना, गुर के पांव पकड़ना, गुर के पांव पकड़ना, रे मन मेरे सतसंग करना, रे मन हो रे मन मेरे सतसंग करना, रे मन मेरे सतसंग करना। जय श्री कृष्ण। हम आपके पास जाते प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, मनुष्य जन्म सफल करने के लिए उपाय पूछते हैं, कोई यत्न करने को हम चाहते हैं, तो सद्गुरु बड़े दयालु होते हैं, बड़े उपकारी होते हैं। वे हम आपको एक ही रास्ता बतलाते हैं, वह कौन सा कि ऐ जिज्ञासु तुम अपने मन को आप समझाओ, दूसरे के समझाने से यह मन नहीं समझेगा। और तुम हुई समझा सकते हो, और यदि मन समझ गया तो समझो सारी विश्व को तुमने समझाया, और एक मन को वश में किया तो सारे विश्व को तुमने वश में कर लिया, तुमने विश्व पर जीत पाई। यदि मन पर जीत पाई, विश्व को जीतने के लिए तुम हमने कोई ठेका नहीं लिया है, लेकिन इतना ठेका लिया है कि अपने मन पर तुम जीत करो, यह मुख्य काम भगवान की ओर से दिया गया है, और वह परमात्मा का नाम स्मरण करके ही वश में हो सकता है। नाम जपो मन वश करो, यही बात है कंत, काहे को पढ़ पढ़ मरो कोटिक ज्ञान ग्रंथ। तो मन को वश में करो, और वह नाम जपोगे तो वश में हो जाएगा। यदि नाम जपते जपते मन वश में न हो तो समझो तुमने नाम जपा ही नहीं है। या मन को वश में कर लो, फिर नाम अपने आप तुम्हारा जपना हो जाएगा। तो ये दो पहलू हैं, एक ही वस्तु के दो तरफ हैं, ऐसा समझिए। एक काम कर लो, या तो मन को वश में करो या नाम जपो, बस तुम्हारे दोनों काम सिद्ध हो जाएंगे। एक काम कोई भी करो दोनों में से, तो सत्संग ये आना, ये बेड़े में चढ़ कर के हम आप भव सागर से, भव सागर क्या है, ये जन्म मरण रूपी सागर है। भव कहते हैं जन्म को, तो जन्म और मरण साथ में होता ही है, तो जन्म मरण रूपी ये भव सागर से पार करने के लिए
नौका का काम करता है ये राम का नाम। बोलो राम राम। और मन से कहने का है, जबान से कहो यह अच्छा है, लेकिन असली जपना है मन से। उद्धार होगा तभी। हम आप जबान से तो बहुत जपते हैं, बहुत रटते हैं, रटते रटते थक जाते हैं, लेकिन असर नहीं पड़ता है। असर कब पड़ेगा? जब मन से जपोगे। मन से एक बार जपो और इधर जबान से भले 108 बार जपो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो मन वाला जपना ज़्यादा फलदायी होगा। बुद्धि से जपो तो और अच्छी बात है, आत्मा से जपो और तो अत्यंत अच्छी बात है। पांच प्रकार से नाम जपा जाता है। मुख से, ओष्ठ से, ओष्ठ हिले उसमें आवाज़ सुनाई न पड़ता हो, अपने सिवा और कोई न सुन सके। और तीसरा मन से, मानसिक जाप जिसको कहते हैं, और बौद्धिक जाप और आत्मा का। तो इस प्रकार पांच प्रकार से नाम का स्मरण होता है। तो अभी पहले मन पर, किसी को कहते हैं हम भाई तुमको मैं याद करता था जबान से, तो वो अच्छा समझेगा। और यदि कहोगे मन से याद करता था तो वो कहेगा वाह भाई। तो इसी प्रकार गुरु महाराज हम आपको मन से नाम जपने के लिए कहते हैं, और वही सार्थक है। क्योंकि सत्संग के बराबर वो बेड़ा कोई नहीं है। सत्संग से सतगुरु मिले, सतगुरु से निज ज्ञान, कहे टेऊं निज ज्ञान से मिले हैं पद निर्माण। तो निर्माण पद को, परम पद को, परम शांति को, परम आनंद को, अखंड आनंद को पाने के लिए ज्ञान आवश्यक है। और ज्ञान कब होगा? जब सदगुरु ज्ञान देंगे। सदगुरु कब मिलेगा? जब संतों का संग करेंगे। संतों का संग करते करते आपको नाम मिलेगा। नाम के द्वारा सदगुरु की प्राप्ति, सदगुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के द्वारा वो मोक्ष, यह क्रम है। तो गुरु महाराज इस भजन के अंदर, सत्संग जैसा बेड़ा न कोई भव से पार तरन को, सतगुरु सम मल्लाह न कोई, गुरु के पाँव पकड़ना, गुरु के चरणों में बैठ कर के गुरु की सेवा करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तब जा कर के गुरु प्रसन्न होंगे। और गुरु प्रसन्न होकर के वह हम आपको ज्ञान की चर्चा सुनाएंगे। और ज्ञान जल्दी टिकता भी नहीं है, क्योंकि जब पात्र होगा शिष्य तब वो ज्ञान टिकेगा। और बिना पात्र के वो दिया हुआ दान भी व्यर्थ जाता है, बताया हुआ ज्ञान भी व्यर्थ चला जाता है। ये आत्मा का ज्ञान एक अलौकिक ज्ञान है। ऐसे तो नाम होता है, बाकी ज्ञान दूसरी बात है। तो इस नाम के कहने से, यहाँ पर सत्संग कहने से वो ज्ञान ही समझिए, विवेक कहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये विवेक जागृत हो जाए कि मैं क्या हूँ, यानि आत्मा क्या है, ये जगत क्या है। बस दो चीज़ तो हैं, जड़ और चेतन कहो या जगत कहो और आत्मा कहो। किसी के पास कोई आया आँख दिखाने को कि मेरी आँख देखो भाई, क्या तकलीफ़ है। डॉक्टर ने पूछा तो वह मरीज़ बोलता है कि भाई मुझे जो तकलीफ़ है बताऊँ। बोला हाँ बताओ। तो डॉक्टर बोला
भाई देखो तुम तो ठीक है अपनी बात बताओ, लेकिन तुम्हारे साथ जो दो आए हैं उनको क्या तकलीफ भी है क्या? बोला कि ये तो डॉक्टर साहब है, कैसी मेरी दवा करेगा, मुझे तो तकलीफ है, एक के बदले दो देखता हूँ और डॉक्टर को मालूम नहीं दो के बदले तीन दिखाई देता है, तो ये कैसी दवाई करेगा? डॉक्टर साहब मेरी दवाई तेरे पास नहीं है। क्यों? बोला कहा कि मैं तो अकेला आया हूँ, मुझे तो एक के बदले दो दिखाई देते हैं, डॉक्टर दो देखता हूँ, आपके साथ में दूसरा भी खड़ा है और तुमको तो मरीज तीन दिखाई देते हैं, तो दवा मेरी क्या करो, खाक करोगे? मैं जाता हूँ। यह है कि दृष्टांत है। तो हम आप भगवान के पास सतगुरु के पास जाते हैं कि हम अपने स्वरूप को पहचाने, इसके लिए आते हैं कि हम जीव हैं ब्रह्म के साथ मिल जाएं। तो गुरु कहे कि नहीं माया भी है साथ में, तो फिर तो झगड़ा हो गया। अब तीन तीन बतलाएगा गुरु के जीव भी है तो ब्रह्म भी है साथ साथ माया भी है, तीन बताएगा तो वो कैसे उपाय बतलाएगा? जीव और ब्रह्म एक ही बन जाना है, एक ही दृष्टि समदृष्टि होनी चाहिए। हम आप सारे विश्व में इस प्रकार का ज्ञान हासिल करते हैं, गुरु लोग भी बतलाते हैं, तीन तीन बतलाते हैं, तब सफलता नहीं मिलती है। तो गुरु हो वह दो को भी एक करके दिखलावे, अभेद दर्शनम ज्ञानम। ज्ञान की व्याख्या ये जो अभेद का दर्शन कराए, भेद होते हुए अभेद करावे, दो को एक करके दिखलावे, इसका नाम विवेक है। विवेक इसकी पद छेद करेंगे, विव माने दो और उसको एक करके दिखलावे, जीव ब्रह्म की एकता लावे। ये सत्संग इसी का नाम है। आता है एक प्रकरण प्रसंग, सिंध में सतगुरु टेऊंराम महाराज जी शाह भट्ट गांव है, प्रसिद्ध है, वहाँ भक्त लोगों ने कहा महाराज वहाँ चलिए, शाह भट्ट पास में ही है और वहाँ क्या करना है? तो विनती की कि महाराज वहाँ एक भगत है, रूपा नाम का भगत है, तो वो क्या करता है? वो बहुत श्रद्धालु है, हर संत को महात्मा को भक्त को आए गए यात्रियों को पकड़ के घर में ले आता है और अपने हाथ से चक्की चलाता है, अनाज पीसता है, बड़े श्रद्धा भाव के साथ सब्जी बना करके खिलाता है, अतिथि सत्कार करता है। तो हम भी चलें, गुरु जी ने कहा, सतगुरु टेऊंराम महाराज की ये बात है। तो वहाँ गए, ठीक है चलो भाई, भक्त का कैसा भक्त है देखें। तो वो बड़ा गदगद हुआ, आनंद में विभोर हो गया, गुरु का दर्शन पाकर के बोला प्रभु हमारे घर में पधारे, बहुत हमारे सौभाग्य की बात है, गुरु स्वयं पधारे घर में, इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य होता है? या गुरु टेलीफोन पर बात करे तो कितनी खुशी होती है। कई गुरु लोग तो सुनते ही नहीं हैं, आना तो दूर है, लेकिन स्वयं आ जाए और अपने आप बात करें, इससे बढ़कर कोई भाग्य नहीं होता है। तो रूपा भगत बहुत खुश हुआ, चरणों में गिर पड़ा, बोला कि तुम क्या करते हो? बोला ये मैं रोटी खिलाता हूँ अपने हाथ से पीस करके, पका करके साग खिलाता हूँ, ज्वारी की रोटी आप भी खाइए, गुरुमाज के आगे परोसा। गुरुमा बड़े प्रेम के साथ खाने लगे, इतने आनंद में विभोर हो गए जैसे भगवान कृष्ण विदुर के यहाँ साग खाया और आनंद का अनुभव किया। भूल गई ठकुराई, साग विंदुर घर खाई, दुर्योधन का मेवा त्यागे। ये प्रसिद्ध है। इसी प्रकार सद्गुरु महाराज बड़े भाव से
परसे हुए उस भोजन को खाया, भक्तों को बताया, साधु संत जितने साथ में थे बड़े आनंद में हुए। इतने बच्चे भी आए, वो मकई के ले आए संग, वो भी तोड़ करके पकाने लगे, उबालने लगे पानी में, कुछ सेक करके गुरु महाराज को खिलावे, बड़ा आनंद हो रहा था। तो भक्त ने रूपा ने बोला, महाराज जी एक मेरे अंदर में शंका होती है। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छी बात है, पूछो, व्यवहार की बात पूछो तो संत उतने प्रसन्न नहीं होते हैं, और परमार्थ की कोई बात पूछो तो संत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जिज्ञासु को पा करके। तो वो हाथ जोड़ करके रूपा राम बोलने लगा, रूपचंद भाई तुम क्या कहते हो, क्या कहना चाहते हो? कहा कि प्रभु बात थोड़ी सी है, आप लोगों के आगे मैं अपने हृदय को अपने मन की बात कहूँ, आपकी आज्ञा हो। तो गुरु जी ने बोला बहुत प्रसन्नता की बात है, पूछो निशंक हो करके। तो कहा को प्रभु परमात्मा जिसको हम निर्गुण निराकार भी बोलते हैं, वो देखने में तो आता नहीं है, इन आँखों से किसी ने देखा नहीं है, फिर भी संत महात्मा बोलते हैं कि वो देखा जाता है और वो है। यदि है तो दिखाई देना चाहिए, यदि दिखाई नहीं देता है तो समझो नहीं है, ऐसा मेरा प्रश्न है। तो गुरुमा बड़े प्यार के साथ कहा, समझाया, बिठाया, भाई देखो जो चीज़ होती है वह ज़रूर दिखाई देती है, यह तो सही बात है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हैं ऐसा महसूस किया जाता है। कैसा वो? तो गुरु महाराज बता, देखो पुष्पों के अंदर सुगंधी दिखाई नहीं देती है, लेकिन सुंघाई होती है उसकी कि सुगंधी है। बगीचे में जाओ या कोई पेट में दर्द होता है, वो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन अनुभव होता है, महसूस करते हैं। डॉक्टर समझता है इसको दुख है, और मरीज को भी मालूम होता है, बाकी दिखा तो नहीं सकता है। तो जैसे दर्द का होना मानते हो, पुष्पों के अंदर सुगंधी है ऐसी प्रतीति होती है, इसी प्रकार परमात्मा की अंदर से प्रतीति होती है, बाकी बाहरी आँखों के द्वारा वो दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से बहुत सुंदर ढंग से समझाया, और बड़े वो रूपचंद बहुत प्रसन्न हुए गुरु महाराज की ऐसी युक्ति सुन करके। फिर भी कहा कि प्रभु वो किस प्रकार हम देख सकते हैं, कोई उपाय बतलाइए, अनुभव कर सकें। तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया, भाई देखो अपने मुँह को देखना हो तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो कहा कि दर्पण चाहिए, तब अपना मुँह दिखाई देगा, अपने अंदर आँखों में ज्योति भी होनी चाहिए और प्रकाश भी बाहर होना चाहिए, तब जा कर के अपने मुँह को देख सकते हैं। बिना प्रकाश के, बिना दर्पण के मुँह नहीं दिखाई देता है, वो मुँह है ऐसा समझ सकते हैं, हर कोई समझता है, लेकिन वो दो चीज़ के बगैर मुँह नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार शास्त्र भी हों, ये दर्पण के मिसाल हैं, और अपनी ज्योति, अपनी निर्मल बुद्धि भी हो, बुद्धि रूपी नेत्र भी चाहिए और दर्पण शास्त्र रूपी दर्पण भी चाहिए, और साथ में गुरु की कृपा रूप रोशनी बाहर वाली चाहिए। सतगुरु का नाम दीपक, जो गुरुदेव नाम बतलाते हैं, गुरुदेव कृपा करते हैं, विवेक देते हैं, वह रोशनी भी चाहिए। तीन जब होंगे तब जा करके अंदर आत्मदेव का दर्शन कर सकेंगे। इस प्रकार की अलौकिक वाणी सुन करके भक्त बहुत प्रसन्न हुआ, गदगद हो गया, चरणों में गिर पड़ा, उठने नहीं लगा। इस प्रकार युक्ति से सद्गुरु संत समझा देते हैं, हम आपको वह चीज़ है, आप हमारे पास ही,
लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, इस युक्ति से दिखाई देगी। अपने आँख में अंजन, सुरमा का ये अंजन, वो दिखाई नहीं देगा जब तक दर्पण हाथ में नहीं लेंगे, क्योंकि अति सूक्ष्म है, परमाणु अति सूक्ष्म है, वो नहीं दिखाई देता है। और वो अंजन आपके बिल्कुल नज़दीक है, जो अत्यंत नज़दीक होती है या अत्यंत सूक्ष्म होती है, अत्यंत दूर होती है, इस प्रकार की चीज़ें वो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उनका महसूस होना सिद्ध होता है, उसका अनुभव होता है। इस प्रकार से हम विश्व भर में सभी बातों का अनुभव कर सकते हैं। जिसका नाम है वह चीज़ अवश्य होगी, वह भले इन आँखों से या कानों के द्वारा या नासिका के द्वारा, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, ये पांच ज्ञान इंद्रिय हैं, पांच ज्ञान इंद्रिय के पांच विषय हैं, जिसको होंगी स्थूल वस्तु को, उसको तो हम बाहर से ग्रहण कर सकेंगे, अंदर के लिए तो मन से ही उसका प्रत्यक्ष होता है, मन के द्वारा ही उसका महसूस होना होता है, मानस प्रत्यक्ष उसको कहते हैं। और इन पांचों को बाहर प्रत्यक्ष कहते हैं, वो आंतरिक प्रत्यक्ष। तो आत्मा का इस प्रकार से हम आप दोहरा वहाँ कहा गया है, प्रसिद्ध है, नेचर दास जी महाराज विचार सागर के अंदर भी वर्णन किए हैं और गुरु महाराज का भी दोहरा बना है। देखिए, अपना मुख तब दिखे तीन वस्तु जब हो, तीन वस्तु जब हो तब अपना मुख दिखाई देगा। दर्पण नयन प्रकाश बिन देख सके ना कोई, दर्पण भी नयन भी और प्रकाश भी, तीन चाहिए, जो अभी दृष्टांत आपको बतलाया गया इसके पूर्व, उसी को खोल करके गुरु महाराज कहे हैं कि उत्तम बुद्धि के नयन होए और दीपक सतगुर नाम कहे टेऊ सद ग्रंथ में देखो आत्म राम। उस आत्म राम को हम आप देखते हुए भी नहीं देखते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, उनसे रात दिन स्पर्श हो रहा है, लेकिन उसके हम समझते हैं कि वो हमारे नज़दीक है ही नहीं। खजाना हमारे आपके पैरों के नीचे है भरा, लेकिन हम आप दीन दुखी होकर के बार बार भटकते हैं, घूम रहे हैं, सबके आगे हाथ फैलाए कि मुझे कुछ दो। एक के पास, संत के पास कोई आया, बोला मैं भिखारी हूँ, दुखी हूँ, कुछ नहीं दिया भगवान ने। कहा कि अच्छा ठीक है, नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, अच्छा चलो बैठो। बैठा, कहा कि अच्छा मुझे एक हाथ अपना काट के दे दो, मैं आपको 1,000 रुपया देता हूँ। बोला कैसे, हाथ कैसे दे देंगे, अच्छा 2,000 ले लो। कहा कि नहीं, ये नहीं दिया जाता है। तो कहा कि 2,000 की संपत्ति तो आपको हाथ रूप मिली है न। फिर वो उसका दिमाग चकराने लगा कि ये तो बहुत संपत्ति हमारे पास है। कहा कि अच्छा मैं 1,00,000 रुपया देता हूँ, आंख दे दो। कहा कि ये नहीं दे सकता। तो ये एक एक आंख कई लाखों की संपत्ति, हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, जबान है, कान है, कितने आपको भगवान ने भरपूर रखा है, संपन्न बना दिया है, और हम आप भिखारी की तरह घूमते हैं कि हमको कुछ नहीं दिया भगवान ने, भगवान को उलाहना देते हैं। ये कितनी हमारी आपकी अज्ञानता है। इसी ज्ञान को सतगुरु संत सत्संग के द्वारा समझाते हैं। आइए आगे पंक्ति, ला
लाखों पुनः तरेंगे सतगुरु सत्संग की शक्ति से संशय सारे हर ना रे मन मेरे सत्संग करना रे मन मेरे सत्संग करना। तो देखिए छठ शुद्ध रहे सत्संगत पाई, छठ पुरुष भी सत्संग को पा करके सुधर जाता है। पारस परस कुधात सुहाई, गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं कि लोहा कुधातु नाम है लोहे का, वह भी पारस के संग से सोना बन जाता है। इससे बढ़कर और क्या होता है, सत्संग ऐसी एक औषधि है। और कीरत मत गत भूत भलाई, जब जेह जतन जहाँ जे पाई, सो सब जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकम वेदहुन आन उपाऊ। लोक में वेद में कोई ऐसा उपाय नहीं है जो सत्संग करता है। सत्संग क्या करता है, कीर्ति गति भूति भलाई, ये पांच चीज़ें वो सत्संग देता है। कीर्ति भी बढ़ जाती है उसकी, यश फैल जाता है, वाह भाई सत्संग ही है, उस पर विश्वास आदमी करता है। कीर्ति गति और मोक्ष तो मिलता ही है, मति भी होती है उसको, सुमति मिल जाती है, मति कीरति गति भूति और विभूतियाँ उसको प्राप्त हो जाती हैं, भलाई भी उसकी होती है। इस प्रकार से पांच चीज़ें प्राप्त होती हैं, और ये सत्संग के बगैर और जगह नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि सत्संग का सुधर्या भला जैसा कागज टाट का, रज्जब गुरप्रसाद से मिट गया अंग ललाट का। ललाट का अंग एक बार लिखा जाता है छठी रात्रि के दिन, कभी बदलाव नहीं होता है, लेकिन सतगुरु संत की शरण में बैठने से, उनकी कृपा हो जाने से वो बदल जा सकता है। ऐसा एक अटूट प्रमाण लिखा है। एक संत नहीं, अनेक संत, कई संत, करोड़ों इसमें आए तर गए, और सत्संग की ऐसी शक्ति को पा करके, और इसमें संशय नहीं करना, क्योंकि चंदन सिर्फ शीतलता देता है, चंद्रमा भी सिर्फ थोड़ी शीतलता देता है, थोड़ा सा आदमी प्रकाश देता है, गंगा सिर्फ पाप को हटाती है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस तथा दीनता को कल्पतरु कल्प वृक्ष दीनता को हटाता है। ये तीन काम तीन अलग अलग एक एक वस्तु करता है, लेकिन सत्संग तीनों काम करता है, शीतलता भी देता है और क्या करता है, दीनता को भी दूर करता है,
पाप का भी निवारण करता है। यहाँ तक कहा गया सत्संगति कथा किंग न करोति पुंसान, सत्संग करता क्या नहीं है, अर्थात सब कुछ करता है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम, वाणी के अंदर सत्यता लाता है, सत्यता की जिसके अंदर सिद्धि होती है उसका संकल्प सत्य होता है, और ज्यों ही वाणी को उच्चार करेगा वह वचन सिद्ध हो जाएगा, अमिट हो जाएगा, चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति होती है। पापों का निवारण तो होता ही है, इसी प्रकार पूरा श्लोक बड़ा है, बहुत उसमें बतलाए गए लाभ। संशय नहीं करना सत्संग में आकर के, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, संशय वाले का विनाश हो जाता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, अज्ञानी पुरुष का उद्धार नहीं होता है, नास्तिक जो होता है और अश्रद्धालु पुरुष जो होता है, और दूसरा तीसरा संशय जो करता है, ये भगवद गीता का ज्ञान भी भगवान ने कहा है, चार प्रकार के मनुष्यों को नहीं सुनाना। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाश्रु शवे वाचम न च माम यो अभ्यसूयति, जो मेरे अंदर दुर्गुण बुद्धि करता है और जिसके अंदर तपस्या नहीं है, जो भक्त नहीं है, चौथा जो सुनने की इच्छा नहीं करता है, ऐसा भगवान का ज्ञान अर्जुन को कहते हुए भगवान बतला रहे हैं कि पात्र को देख करके ऐसा उपदेश ऐसा ज्ञान देना। लेकिन सत्संग तो सबके लिए खुला है, इसकी विशेषता और रही है। आइए नीच कर्म के करने वाले नीच जाति भीतर गए नीच कर्म के करने वाले नीच जाति भीतर गए कहाँ लग गिनती करूँ मैं उनकी पुस्तक खोले पढ़ना रे मन मेरे सत्संग करना। देखिए ये सत्संग कितना सुलभ है हम आपको, और कितने उसके अंदर गुण भरे हुए हैं। जो चीज़ सुलभ होती है सस्ती होती है वो उसके अंदर गुण नहीं होते हैं, लेकिन ये सस्ती भी है सरल भी है और गुण भी इसमें बहुत है। इसको अमूल्य कहते हैं, अमूल्य के दो अर्थ होते हैं, जिसमें मूल्य न लगता हो और दूसरा मूल्य जिसका कथन न कर सकें। इस प्रकार से अमूल्य है, यह पैसा दाम नहीं लगता है लेकिन इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती, इसका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता है। पारस के परसते कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार। गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, पारस के स्पर्श करने से
लोहा तो कंचन हो जाता है, तलवार रखो चाहे कोई भी शस्त्र रखो, लेकिन उसकी धार है तेज रफ्तार होती है, चीर देती है, फाड़ देती है, तलवार मार देती है, उसकी शक्ल जो है आकार, ये तीनों वैसे के वैसे रहते हैं, फर्क नहीं आता है, सिर्फ सोना हो जाता है, चमकता हुआ लोहे को हटा करके वो सोना दिखाई देगा। ये तीनों चीज़ वैसी रहेंगी, धार भी, मार भी, आकार भी, लेकिन ज्ञान हथौड़ा हाथ लिए सतगुरु मिला सुनार। जब सतगुरु मिलता है ज्ञान रूपी हथौड़े से, इस जिज्ञासु को क्या कर देता है कि ये तीनों उसकी बदल जाते हैं। तुलसी तीनों मिट गए, धार मार आकार, तो आकार भी उसका बदल जाता है। शिष्य का गुरु सरीके लगेगा, भगवान सरीके लगेगा, और उसका मारना भी बदल जाता है, उसकी मार संवार हो जाती है, किसी को मारेगा नहीं, काटेगा नहीं, उसकी धार भी कुछ अलग ही ढंग से हो जाती है। ये सब उसके बदल जाते हैं, वाणी उसकी बदल जाएगी, उसके मन के विचार बदल जाएंगे। सदगुरु संत के पास में रहने से, पास में रह करके सेवा करने से, पास में रह करके मन की बात नहीं चलाने से, गुरु को ही प्रधान रखना, गुरु के विचारों को ही प्रधान रखना, यह एक बहुत बड़ी विशेषता है। ये सब सत्संग के द्वारा ही देखो नीच से ऊंच बन गए। किसके जरिए? सत्संग के जरिए। कछु काम के थे नहीं, छूते थे नहीं शाम, गुरुदेव ने कृपा की अब पूजन लागे पाँव। सब नीच जात के कर्म भी उनके नीच, जितने भक्त हुए मेरे ख्याल से गिन के देखिए, कोई चमार हुआ, कोई जुलाह हुआ, कोई मालिश करने वाला हुआ, इस प्रकार से किस किस का गिनाए, लेकिन उस पर आप ध्यान न दें, उसके हृदय को देखिए, उनके नाम को देखिए, उनकी साधना को देखिए। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए सो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। म्यान का मूल्य नहीं होता है, मूल्य अंदर तलवार का होता है। इसी प्रकार साधु की जात पात नहीं देखी जाती है, लेकिन उसका ज्ञान देखना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता की यही विशेषता है कि हम ज्ञान की परख करते हैं, बाकी उनके शरीर की, उनके कुल की, उसके सन संबत की परवाह नहीं करते हैं। आइए लाख बात की एक कहूँ मैं, एक कहूँ मैं, एक कहूँ मैं, मानो वचन हमारा, मानो वचन हमारा। लाख बात की एक कहूँ मैं, एक कहूँ मैं, एक कहूँ मैं, मानो वचन हमारा, मानो वचन हमारा। कहे त्यों सब काम शोर कर, कहे त्यों सब काम शोर, काम शोर कर, काम शोर, सत्संग बेरे चरना, 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 अभी बोलो रे मन मेरे सत्संग करना, रे मन मेरे। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सतनाम साखी। तो सतगुरु टेमराम महाराज क्या
प्रसंग आप लोगों ने सुना और भजन भी सुना और अभी आई धुनी लगाएंगे। आप सब मिल करके बड़े प्यार के साथ में धुनी लगाएंगे। ये अमरापुर धुनी कहलाती है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम बोलो रघुपति राम पतित पावन सीता राम जय सबको सुन मति दे सुखदा अंतरयामी तेरा नाम सबको सुन मति दे सुखदा अमरापुर के सुंदर श्याम सतगुर स्वामी सत्चित आनंद साखी शिवो हम स्वयं प्रकाशी साखी शिवो हम सिद्ध आकाशी साखी शिवो हम घट घट वासी साखी शिवो हम सर्वनिवासी साखी शिवो हम अंदर बाहर साखी शिवो हम अंदर ओ हम साखी शिवो हम ताकि शिवो सबै जाऊ
वो हम वो हम वो हम वो हम वो वो हम 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 सत चित आनंद अंदर वो हम बाहर सो हम घट घट वासी स्वयं प्रकाशी चित आकाशी घट घट वासी सर्वन वासी प्रेम प्रकाशी हमरा पुरवासी कहता देऊ कहता स्वामी साकी वो हम साकी वो हम साकी वो हम शिवो हम शिवो हम साकी वो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम क्या करेगा जम बोलो शिवो हम रहा न कोई कम बोलो शिवो हम जय जय श्री राधे वृंदावन धाम सकियो यही तो है बोल सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव खुशी में टाइप